दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके बीच में सवाल करने के लिए मैं कांग्रेस की तरफ से आया हूँ। कांग्रेस के आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, वो आरोप ये है, ये बोला गया है कि भैया ये बताओ कि ट्रंप की यात्रा का जो आयोजन हुआ है कि वो सरकारी है या प्राइवेट है। सवाल जारी है, आनंद शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को पूछा। लेकिन अब भैया जब तय हो गया है, मोदी जब चुनाव प्रचार करने में बिजी है ट्रंप के, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है बताइए? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी सहायता की थी, लेफ्ट विंग ने सहायता की थी। अब इतना हिंदुस्तानी को बेवकूफ मत समझो आप लोग, या राइट विंग वालों और लेफ्ट विंग वालों, कि हम आप लोगों की बात नहीं समझते। अब बातें सब समझ में आने लगी, करेक्ट आने लगी, क्योंकि लेफ्ट विंग वाले नहीं चाहते कि राइट विंग वाले, और राइट विंग वाले नहीं चाहते कि वर्ल्ड में लेफ्ट विंग वाले। पॉलिटिक्स हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रह गई है, पॉलिटिक्स अब वर्ल्ड लेवल की बन चुकी है। इसके लिए मोदी जी को मुबारकबाद दी जानी चाहिए, ट्रंप को भी मुबारकबाद दी जानी चाहिए। मुबारक हो, मुबारक हो, आपने अपने असली चेहरे का नकाब उठा दिया, आपने बता दिया कि देश की पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। कांग्रेस के सवाल पर कोई जवाब आएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष है ही नहीं। कांग्रेस स्पाइनलेस हो चुकी है, कांग्रेस के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता है जो सवाल करे तो उसको कोई वैल्यू कोई मीडिया देगा। कांग्रेस अपनी वैल्यू खो चुकी है उन सारे सवालों पर जो सवाल वो करती है। ये कड़वा सत्य है जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस कोई भी आंदोलन खड़ा करने में असमर्थ रही है, ये कड़वा सत्य है, ये कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस का सत्य एक ये भी है, वो युवाओं को आगे लाने में एकदम नाकाम साबित हुई है, ये भी कड़वा सत्य है। और जब युवाओं की कौम बेरोजगार कर दी जाए पॉलिटिकल रूप से, तो उस देश का डूबना बहुत जरूरी है, और उस देश में अनपढ़ नेताओं का नेता बन जाना बहुत आसान काम। इसका भी दोष कांग्रेस पर है, विपक्ष पे नहीं, कांग्रेस पर इसकी पूरी जिम्मेदारी है, जिस कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई। तो कांग्रेस को अपना पुनरावलोकन करना चाहिए, कांग्रेस को देखना चाहिए कहां गलतियां हैं और कहां नहीं है, लेकिन कांग्रेस वो काम नहीं कर रही है। लेकिन जो आज सवाल किया आनंद शर्मा ने, वो काबिले तारीफ था कि खर्चा कहां से आ रहा है। लेकिन जो खर्चा आ रहा है उसके खिलाफ कोई आंदोलन करता हुआ IYC का दस्ता ट्रंप की यात्रा का दिखा नहीं, या दिखेगा नहीं, या कोई ऐसा आंदोलन दिखेगा नहीं। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है छोटी सी कांग्रेस की, बस एक वो रस्म निभाई जाती है और बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का आंदोलन जमीन पर नहीं दिखता पूरे देश में। यहां खोखली कांग्रेस नजर आती है, तो खोखला देश और खोखला संविधान नजर आने लगा है। दोस्तों जब कांग्रेस कमजोर हो जाती है तो लगता है कि संविधान कमजोर हो गया, और संविधान को कमजोर करने में कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। माफ कीजिएगा अगर गुस्ताखी कर दी हो कांग्रेस के लिए। सच बोलना बहुत जरूरी है, विपक्ष होना बहुत जरूरी है, और जनता की तरफ से बोलना बहुत जरूरी है। जो जनता की आवाज है वही मैं कांग्रेस को बोल रहा हूं। कांग्रेस ना सुधरी तो ये देश नहीं सुधर पाएगा, और कांग्रेस सुधर गई तो देश भी तो सुधर जाएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।